नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू भी देता रहता हूं और साथ साथ आपको चेताता भी रहता हूं साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के प्रति। और आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग हटके बात करेंगे कि व्हाट्सएप पर स्टिकर कैसे बनाएं। एक्चुअल में व्हाट्सएप नए नए फीचर ला रहा है और ये एक एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, यानी कि आप जब अपना मैसेज किसी को भेजते हैं तो वो वाया चैनल किसी के थ्रू भी जाए लेकिन उसको बीच में कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब यहाँ नए नए फीचर्स लगातार लॉन्च हो रहे हैं और इसी में एक है व्हाट्सएप पर स्टिकर फीचर भी लॉन्च कर दिया है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप करेंगे या आप उसको पिक्चर मैसेज करते हैं तो आप अपने खुद के भी स्टिकर बना सकते हैं, अपनी खुद की फोटोज को भी स्टिकर के रूप में बना करके भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अभी तक जितने भी ऐसे वीडियोज बने उसमें किसी ना किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत पड़ती थी, अब यह डायरेक्ट आप व्हाट्सएप के थ्रू ही अपना पिक्चर मैसेज बना करके स्टिकर मैसेज बना करके सेंड कर सकते हैं किसी भी अपने फ्रेंड को या किसी भी ग्रुप में। तो ये पूरा प्रोसेस एक बार देख लेते हैं, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ व्हाट्सएप पर स्टिकर बनाया जाता है। तो व्हाट्सएप पर स्टिकर बनाने के लिए, स्टिकर मैसेज भेजने के लिए, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप खोलना होगा पीसी पर और व्हाट्सएप वेब के थ्रू बड़ी आसानी से ये खुल सकता है। अगर किसी को ये नहीं पता है कि व्हाट्सएप वेब के थ्रू अपना व्हाट्सएप कंप्यूटर पर कैसे चलाएं, तो उसके लिए आपको केवल जस्ट गूगल पर जाकर व्हाट्सएप वेब लिखना है और फिर वहां क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना मोबाइल व्हाट्सएप खोल सकते हैं पीसी पर। तो यहां बात कर रहे हैं कि स्टिकर बनाया कैसे जाए बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से। तो देखिए, व्हाट्सएप का नया फीचर लॉन्च है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले इमोजी वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ आप इमोजी वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, इमोजी है, जिफ है और ये आपका जो स्टिकर वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने चूंकि ऑलरेडी किया हुआ था तो इसलिए मुझे यहाँ शो कर रहा है। तो इमोजी वाले आइकन के बगल में जो आपका पिक्चर वाला आइकन है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको इस तरीके से क्रिएट एक लिखा हुआ मिलेगा, क्रिएट वाला आइकन मिलेगा, तो इस पर आप जा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको विभिन्न अपने प्रकार के फोटोज लेने के लिए कहेगा। तो आप अपनी लाइब्रेरी से ले सकते हैं फोटो, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने कंप्यूटर से यहाँ फोटो चुनता हूँ, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मुझे मान लीजिए मैंने ये फोटो चुना, तो मैं यहाँ इस फोटो को यहाँ खोल लेता हूँ। जैसे यहाँ फोटो खोलूंगा तो इसकी टिकट साइज यहाँ आ गई है, यानी कि स्टिकर के साइज में ऑलरेडी सेट होकर के यहाँ आ गया है। आप चाहे तो इसको और भी सजा सकते हैं। अब ये ऊपर आपके यहाँ दिए हुए ये जो कैची का निशान बना है इससे आप इसको आउटलाइन कर सकते हैं। यहाँ इमोजी बनाई हुई है, इसमें आप इमोजी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इमोजी जोड़नी है तो मान लीजिए मैंने ये इमोजी यहाँ पर जोड़ दी, इसको आप यहाँ छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, ये इमोजी यहाँ मैंने इस प्रकार लगा दी है। अब यहाँ मान लीजिए कुछ और आपको जोड़ना है, फोटो जोड़ना है, कुछ और जोड़ना है, तो जो भी आप चाहिए, जो भी आपको सिस्टम चाहिए वो आप यहाँ ले सकते हैं और इसमें जोड़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ये कप जिसमें की ये शेप बना हुआ है ये यहाँ पर लगा देता हूँ। आपको टेस्ट मैसेज लिखना है तो आप टेस्ट मैसेज भी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए हाय आर यू। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये इस प्रकार से आप इसको छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, तो जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा इसको हाय हाउ आर यू, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज है आप इसमें जोड़ सकते हैं। एडिट करना है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, पेंट करना है इसको आप पेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके के कलर से। मान लीजिए कोई आपको यहाँ पेंट करना है तो आप पेंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ मैंने इसको पेंट कर दिया है। कुछ और आपको डिजाइन बनाना है आप डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि डिजाइन बनाना मुझे ज्यादा आता नहीं है, तो इस प्रकार से आप डिजाइन बना सकते हैं। और ये इसका क्रॉप है तो आप इसको क्रॉप कर लीजिए जितना आपको क्रॉप करना है, और उस हिसाब से आप इसको जब क्रॉप करेंगे तो ये आपका क्रॉप हो जाएगा। तो ये मैंने जैसे मान लीजिए इसको क्रॉप कर दिया, और ये जो है अंडू का है, यानी कि आप इसको क्लिक करेंगे तो जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि इसमें आपको किसी भी तरीके से इसको सेव करने की जरूरत नहीं है कहीं भी। अब ये आपने सिस्टम पे बनाया डायरेक्ट और इसको आप डन कर दीजिए, सीधा ये वहां चला जाएगा। तो अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात, इसको बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी ग्रुप में या जिस भी व्यक्ति को आपको मैसेज डालना है आपको सबसे पहले वो खोलना पड़ेगा, उसका जो होम एड्रेस है उसको खोलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे माई होम में भेजा, मैंने माई होम को खोला है, ऊपर आपको दिख रहा है माई होम, तो यहां मैंने बनाया स्टिकर, प्रोसेस बता दिया, इसको आप डन कर देंगे तो ये डन हो गया, यानी कि स्टिकर बन गया है। ये यहाँ बलून लग गया है, यहाँ ये कॉफी कप लग गया है, यहाँ ये टेस्ट मटेरियल लग गया है, इनकी मदद से आप और भी तरीके से सजा सकते हैं और फिर इसको आप सेंड कर दीजिए। तो ये मैंने सेंड कर दिया यहाँ पर, तो
तो ये देखिए, और इसको आप डाउन करेंगे तो ये डाउन करने के बाद यहाँ ये सेलेक्ट हो गया है और ये मैसेज सेंड हो गया है। तो इस प्रकार आप भी अपने नाम का नया स्टिकर बना सकते हैं और व्हाट्सएप की मदद से बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से आपको ये बन जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से अपने फोटो को यूज करते हुए स्टिकर बना करके अपने दोस्तों को भेजना। तो अब आप भी व्हाट्सएप पर रोज नए नए स्टिकर बनाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को इस प्रकार के मैसेज आप भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूज़ वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।